सोलन के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को सील किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक महिला अपना इलाज करवाने के लिए सोलन अस्पताल में आई और उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन उसे बाद में यहां से शिमला रेफर कर दिया गया। शिमला में उस महिला का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इसकी सूचना जब चिकित्सकों को दी गई तो यहां खलबली मच गई और आनंद फानंद में अस्पताल का कुछ क्षेत्र सील कर दिया गया। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर अशोक हांडा ने बताया कि महिला नालागढ़ से डिलीवरी करवाने के लिए सोलन अस्पताल के आपातकाल में आई, जहां उस महिला की डिलीवरी की गई। डिलीवरी के बाद उसे शिमला रेफर कर दिया गया। वहां उस महिला का टेस्ट हुआ जहां वे पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को 48 घंटों से सील किया जा रहा है और जो रोगी यहां भर्ती हैं उन्हें छुट्टी की जा रही है। जो चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारी जो सीधा उस महिला के संपर्क में आए थे उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे है कि सैटरडे 18 की रात एक पेशेंट हमारे पास रेफर होके आई थी फ्रॉम नालागढ़। तो डिलीवरी केस था एंड प्राइमी ग्रेविडा पहला बच्चा था उसका एंड शी वॉज ब्रॉड उस टाइम। एक वो इंडिकेशन होती है कि थिक मेकोनियम, मतलब के अंदर वो बच्चे ने पॉटी कर दी हुई थी। तो उसको इमिजिएटली डॉक्टर साहब ने, ऐसी इंडिकेशन होती है कि इसका सजेरन ही करना पड़ेगा, तो उसको इमिजिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा गया जहाँ पर मेरा स्टाफ भी था, ओटी का स्टाफ। पर इससे पहले कि हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं तो डॉक्टर मनीष मित्तल ने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, सिर्फ 6 ग्राम था। तो फिर ऑपरेशन उस टाइम संभव नहीं था, तो उसको इमिजिएटली उसको भेज दिया गया लेबर रूम में। लेबर रूम में उसकी डिलीवरी हुई, उसने डिलीवर करा बच्चा, क्योंकि पॉटी कर दी हुई थी, बच्चा थोड़ा सीरियस बच्चा रेफर हो गया। फिर सारे संडे, दैट इज 19 तारीख, वो गाइनी वार्ड में रही। मंडे सुबह उसको कुछ प्रॉब्लम ऐसे महसूस हो रही थी, तो फिर उसको डॉक्टर मनीष मित्तल जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने शिमला के लिए रेफर कर दिया। सैम्पलिंग यहाँ पर हमारे हर एक पेशेंट की जो ऑब्स गाइनी वार्ड में जाता है उन पेशेंट की सैम्पलिंग होती है। इस पेशेंट की भी सैम्पलिंग करी गई थी संडे को और अब इसकी कल रात को रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है। दैट मीन्स शी वॉज कोविड पॉजिटिव। अब इसमें जो हमारे